नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। श्रोताओं, आप सभी को स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम की पूरी टीम की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं और सिद्धार्थ जी नमस्कार, सबको नमस्कार। सबसे पहले नजर आते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच आज दूसरा फुटबॉल मैत्री मैच खेला जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में चल रहे मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनिल मेदवेदेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 66 रन से हरा दिया है। और क्रिकेट में इंग्लैंड का भारत दौरा समाप्त, तीनों ही फॉर्मेट्स में टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेला जाएगा। सुनते हैं आज खेले जाने वाले इस मैच पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की यह खास रिपोर्ट। आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय फुटबॉल टीम का दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में जाबेल स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात यूएई से सामना होगा। भारत ने पहले मुकाबले में ओमान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था। यूएई की टीम विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम से काफी आगे है। रैंकिंग के अनुसार भारत 104वें जबकि यूएई 74वें, ओमान 81वें स्थान पर है। आखिरी बार भारत का यूएई से मुकाबला 2019 में एएफसी एशिया कप में हुआ था, जहां भारत को 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी। टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, जो टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अच्छा संकेत है। भारत की तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 10 डेब्यू करने वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं। अपने ही देश में खेलने पर संयुक्त अरब अमारात को फायदा हो सकता है, हालांकि कोरोना के चलते स्टेडियम में दर्शक नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैम। गौस, भारत और यूएई की दोस्ती न सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे है बल्कि जो हम स्पोर्ट्स है उसमें भी बहुत खास दोस्ती है और आज होली के दिन ये खास मैत्री मैच रखा गया है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आपने जो एक बात बोली कि भारत और यूएई के बीच काफी घनिष्ठ संबंध है और खास करके अगर हम फुटबॉल की बात करें तो एक टाइम में ऐसा भी था कि भारतीय फुटबॉल टीम जब अपनी तैयारी करती थी तो उनके कैंप जो है यूएई में लगते थे, तो वो बहुत यूएई में आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। और भारत और यूएई के बीच एक बार प्री वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच मुकाबला था और इत्तेफाक से मैंने कमेंट्री की थी जी, तो उसमें सब लोगों ने बोला था कि यूएई की टीम बहुत ही जबरदस्त है। उनके फ्रांस के कोच थे और हमारे सुखविंदर सिंह भारतीय कोच थे, जो कि बहुत ही अच्छे कोच माने जाते हैं। तो इन दोनों में जब मुकाबला था उसमें भाईचुंग, आईएमवीजीएन, ये सब लोग थे, सीएस प्रकाश, ये तो उन्होंने कहा था कि एक तरफा मैच होगा ये मैच। और उस मैच के अंदर एक चीज हमने देखी थी कि जो होटल का रिसेप्शन था एक दिन पहले, जब यूएई की टीम अपना एंजॉय कर रही थी बेंगलोर के वातावरण को, और रात को 12 बजे और उसी वक्त वहां था 12 बजे, 1 बजे और उसके बाद वो अपने अपने कमरों में गए। तो जब हमने शुरुआत की थी तो ये कहा था कि आज भारत अपसेट करने जा रहा है। उसकी वजह और कारण क्या था, उनकी टीम बहुत अच्छी थी, सवाल ही पैदा नहीं होता जो भारतीय टीम थी कि जीत जाए, पर भारतीय टीम ने उनको अपसेट किया, 1-0 से हमने वो मैच जीता था। खैर, अब जो टीम है उतनी अनुभवी नहीं थी जैसे पहले आईएमवीजीएन या वाइचिंग भूतिया जैसे खिलाड़ी हमारे पास थे, और जैसा आपकी रिपोर्ट में भी था, ये कितनी बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए कि 10 खिलाड़ी जो पहला मैच ओमान से खेला जी, उसमें उन्होंने डेब्यू किया। किसी भी टीम का अगर हम देख लें, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली खेल रहे हैं आप और 10 खिलाड़ी आपके डेब्यू करें, ओमान से वो मैच 1-1 से बराबर था और पहले हाफ में ऐसा लग रहा था कि ये टीम कुछ विशेष नहीं कर पाएगी, जिसमें आप देखो आकाश मिश्रा, आशुतोष मेहता, सुरेश, बिपिन सिंह, जैक्सन सिंह, ये सभी राल्टे यासिर ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर में आए थे। लेकिन जो सेकंड हाफ में ओमान के खिलाफ भारतीय टीम ने खेल पेश किया उसमें ये लगा कि इस टीम के अंदर सबसे बड़ी जो खास चीज है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो
मैच मैदान के बाहर नहीं हारते हैं। तो आज का जो मुकाबला है अगर हम देखें देखो कि अगर हम प्री वर्ल्ड कप क्वालिफाई की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ग्रुप ई में है तो चौथे स्थान पर है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कोई खास चांस वर्ल्ड कप जो कतर में होने वाला उसमें अवसर नहीं है। और यूएई की टीम भी ग्रुप जी में 6 पॉइंट्स के साथ है चौथे नंबर पे, पर वहां यूएई को अभी एक मैच और खेलना है, देखते हैं क्या होगा। तो इसमें जो हमारे कोच इगोर हैं उन्होंने जो 10 खिलाड़ी और ज्यादातर नए खिलाड़ी लाए हैं, सुनील छेत्री आपको पता ही है कि कोविड की वजह से वो नहीं जा सके टीम के साथ। जी हाँ, और जैसा कि गौस भारतीय टीम पूरे साल भर से एक भी मैच नहीं खेली थी और बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, और उसके बाद जिस तरह से आपने बताया कि पहले मैच में और जिस तरीके से ओमान के साथ एक एक की बराबरी पर रहे, 10 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, एक आत्मविश्वास से भरी हुई टीम थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हालांकि ये मैच बिना दर्शकों के हो रहा है कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग होगी, लेकिन लोगों के लिए इवन टीम के लिए जो है ये बहुत बड़ी उम्मीद की वजह होगी क्योंकि 8वें नंबर की टीम है अगर एशियाई टीमों की हम बात करें फुटबॉल में, तो इतनी मतलब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी कोशिश करनी चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि देखिए जब तक हम एशिया में सर्वश्रेष्ठ 10 टीमों में नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने के बारे में सोचने के लिए हमको काफी विश्राम करना पड़ेगा। तो यहां पर यही मौके होते हैं कि जो फ्रेंडली इंटरनेशनल फ्रेंडली मिलते हैं, तो ये मौके होते हैं जब भारत को अपनी टीम को परखने का मौका मिलता है, ये बेहतरीन मौका है। जी बिल्कुल, तो हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। बात करते हैं टेनिस की। अमेरिका के फ्लोरिडा में चल रहे मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनिल मेदवेदेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। क्या कुछ खास रहा मियामी ओपन में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डेनिल मेदवेदेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तीसरे दौर में उन्होंने एलेक्सी पोकरिन को 7-6, 6-7, 6-4 से हराया और इसे खास जीत बताया। उन्होंने कहा कि ग्रैंड स्लैम फाइनल को लगातार सेटों में जीतकर भी उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी मैच पॉइंट हासिल करके मिली। इस मैच को निश्चित तौर पर हमेशा याद रखूंगा। पुरुष सिंगल्स में 18वीं वरीयता प्राप्त जॉन इस्नर भी आगे बढ़ने में सफल रहे। इसके अलावा अलेक्जेंडर बबलिक, एमिल रूसवरिक, फ्रांसिस ट्राइफो और टेलर फिस भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। आज हम्बर्ट, एंड्री रूबलेव और डियोगो स्वार्ट्समैन भी अगले दौर के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में विश्व में दूसरी वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका को वॉकओवर मिला, लेकिन चौथी वरीयता प्राप्त सोफिया केनिन दुनिया की 27वें नंबर की खिलाड़ी ऑस जबर से 6-4, 4-6, 6-4 से हार गई। इस्नर ने 11वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑंगुर ओलिसियामी को 7-6, 7-6 से हराया। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी अगले दौर में अपनी जगह बना पाते हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जिस तरह से मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बहुत सारे अगर हम देखें तो जो 3 मेन खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल रहे हैं, चाहे हम रोजर फेडरर की बात करें, राफेल नडाल जो है वो चोट के कारण उससे हट गए थे, और नोवाक जोकोविच भी इसमें नहीं खेल रहे हैं, तो इसका फायदा कहीं न कहीं कुछ खिलाड़ियों को मिला है क्योंकि ये जो ट्रायो हैं ये किसी टूर्नामेंट में रहते हैं तो फिर वो वहां पे मुकाबला दूसरी तरीके से हो जाता है। जबरदस्त, फैंस को भी बहुत अच्छी टेनिस देखने को मिलती है। और टेनिस की तो बात यह है सिद्धार्थ कि अगर हम पिछले जो कोविड के बाद से जितने भी टेनिस ओपन हुए हैं, ग्रैंड स्लैम हुए, उसमें अगर धुरंधार खिलाड़ी नहीं खेले हैं तो नए जिनसे उम्मीद नहीं होती उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और मियामी ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है जो यूएसए के फ्लोरिडा में होता है। ये वो जगह है जिसमें अगर हम देखें मेन ड्रॉ में 30 में से 7 खिलाड़ी मियामी ओपन के जो मेन ड्रॉ है उसमें हैं, और ये वहां की जो टेनिस अकेडमी है वहां की देन है। अगर हम इसमें बात करें मियामी ओसाका, दोनों विलियम्स बहने सेरेना विलियम्स और ये वो भी इसी जगह से थी, और इसके अलावा फॉय, सेबेस्टियन, निशकोरी, केविन, मैकेंजी, मैकडोनल्ड, जॉन स्टन, ये सब यहाँ के ट्रेन खिलाड़ी हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अगर यहाँ पे 3 खास खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं तब भी ये वो जगह है कि जहाँ कहा जाता है कि टेनिस को एक नई नई जो प्रतिभा है उनको एक ऐसा रूप मिलता है जो काफी समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम रहते हैं।
बिल्कुल, और इस बार एक थोड़ा सा उलट फेर हुआ है जिसमें सोफिया केनिन दुनिया में 27वें नंबर की ओन्स जोबेर से हार गई हैं, तो कहीं न कहीं छोटे छोटे से जो इस तरह के जो उलटफेर होते हैं तो उसमें भी कई बार बड़े खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ता है। और इस बीच भारत के शीर्ष डबल्स खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार फ्रांस के बैनोट पेरे प्रतियोगिता के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गए हैं। बोपन्ना और पेरे की 8वीं सीड जोड़ी को फ्रांस के पेरे हुजो और निकोलस माहुत ने 56 मिनट में 6-3, 6-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तो ये तो बात थी टेनिस की। बात करते हैं बैडमिंटन की। ओरियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी खिताब से चूक गई। चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को फाइनल में इंग्लैंड की बेन लेन और सीनवेंडी की जोड़ी के हाथों 56 मिनट तक चले मुकाबले में 21-19, 14-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। कृष्ण और विष्णु पहली बार एक साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे थे। फाइनल में हार के बावजूद कृष्ण और विष्णु की जोड़ी टूर्नामेंट के नतीजे से जरूर खुश होगी, क्योंकि ये बड़ी कामयाबी है जब आप किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचते हैं। कृष्ण इससे पहले रामचंद्रन के साथ जोड़ी बना चुके हैं, जबकि 20 साल के विष्णु का सीनियर स्तर पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। और पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में आप डबल्स में फाइनल तक का सफर करते हो, तो मुझे लगता है गौस की खिताब तो नहीं जीत पाए लेकिन एक अनुभव अपने साथ लेके गए हैं। बेशक, क्योंकि कोविड के बाद आप देखो कि हमारे जो सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आशा के अनुरूप नहीं खेल पाए हैं, और यहाँ पे एक बेहतर प्रदर्शन है। तो इसका मायने ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है कोविड के बाद का, भारतीय खिलाड़ी फिर अपनी लय को प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है भारतीय बैडमिंटन के लिए। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 66 रन से हरा दिया है। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना की ये रिपोर्ट। डेवॉन कॉनवे की नाबाद 92 रन की पारी से न्यूजीलैंड ने पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश पर 66 रन से जीत दर्ज की। कॉनवे ने 52 गेंद में ये पारी खेली जिसमें विल यंग के साथ तीसरे विकेट के लिए उन्होंने 105 रन की भागीदारी भी निभाई। यंग ने 28 गेंद में हाफ सेंचुरी लगाकर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट पर 210 रन बनाने में मदद की। इसके बाद उसके लेग स्पिनर ईश सोडी ने 8 गेंद के अंदर 4 विकेट लेकर बांग्लादेश को जवाब में 8 विकेट पर केवल 144 रन की बनाने दिए। कॉनवे ने अपने 12वें मैच में चौथा 2020 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 126 रन की पारी खेली थी, जिससे न्यूजीलैंड ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इस बल्लेबाज ने फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 अंतर्राष्ट्रीय में नाबाद 99 रन बनाए थे और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में 72 रन की पारी खेली थी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और अब बांग्लादेश को उसने 66 रन से हरा दिया है। जो बांग्लादेश का दौरा न्यूजीलैंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त फॉर्म में है। जी बेशक, और न्यूजीलैंड हमेशा T20 हो उसमें अच्छा खेलने में सक्षम रही है, और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं 92 रन बनाए डेवन ने, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए इस सोडी ने 28 रन देकर 4 विकेट हासिल की और बांग्लादेश को धराशायी करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये दोनों अच्छी टीमें T20 के अंदर बड़ा दिलचस्प मुकाबला इन दोनों के बीच होता है, क्योंकि बांग्लादेश अगर टेस्ट या इधर उधर कुछ मुश्किल में आता है लेकिन T20 में वो अपसेट करने में माहिर है, पर न्यूजीलैंड को नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो ओडीआई की अगर हम बात करें तो उसमें भी न्यूजीलैंड ने श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की थी, और जिस तरीके से डेवॉन कॉनवे ने जो नाबाद 92 रन की पारी खेली है, 52 गेंद में उन्होंने 92 रन बनाए, तो बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की और इस जीत के एक बड़े नायक रहे वो। बेशक नायक रहे, और अब ये आने वाले जो वक्त है उसके अंदर और जो पिछला वक्त रहा, न्यूजीलैंड हमेशा एक बहुत अच्छी टीम साबित होती रही है, और जब भी वो चाहे वो इंग्लैंड से खेले, भारत के खिलाफ खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, पाकिस्तान से खेले, न्यूजीलैंड ने हमेशा
अपनी मौजूदगी का एक अच्छे तरीके से एहसास कराया है। तो यहां तो मुकाबला उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है एक तरफा ही साबित किया। जी हाँ, तो अब उम्मीद है कि अगले T20 मैच में बांग्लादेश की टीम दोबारा से कमबैक करने की कोशिश करेगी। क्रिकेट पे ही रहते हैं और बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच कल हुए आखिरी ओडीआई क्रिकेट सीरीज के मैच के बाद इंग्लैंड का भारत दौरा समाप्त हो गया है। इस दौरे में तीनों ही फॉर्मेट्स में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया एक बार फिर सशक्त टीम के रूप में उभरी है। क्या कुछ खास रहा इंग्लैंड दौरे में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के दौरे को क्लीन स्वीप कर दिया है। टेस्ट और T20 सीरीज के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली है। कल खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन की जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-1 से कब्जा कर लिया। भारत का दौरा इंग्लैंड के लिए बेहद निराशाजनक रहा क्योंकि वो यहां एक भी सीरीज नहीं जीत पाई। मेजबान भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दौरे का अंत वनडे सीरीज में रोमांचक जीत के साथ किया। टेस्ट सीरीज के साथ शुरू हुई श्रृंखला में भारत ने अपना दबदबा कायम रखा। कल पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक मुकाबले में फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन बनाए, जवाब में इंग्लिश टीम 9 विकेट पर 322 रन ही बना पाई। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में हार से शुरुआत करने के बाद भारत ने इंग्लैंड की टीम को अगले 3 मैचों में हराया था। 3-1 से सीरीज को अपने नाम करते हुए भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी जगह पक्की की। अब 18 जून को न्यूजीलैंड के साथ भारत इस खिताब को हासिल करने के लिए इंग्लैंड में खेलेगा। टेस्ट के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज में भी भारत ने हार के साथ ही शुरुआत की थी। पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने दूसरा मुकाबला जीतकर बराबरी की। इसके बाद इंग्लिश टीम ने तीसरा मुकाबला जीतकर बढ़त बनाई और फिर भारत ने उसे मात देकर बराबरी हासिल की। इसके बाद आखिरी T20 में जीत दर्ज कर 3-2 से सीरीज पर कब्जा जमाया। टेस्ट और T20 सीरीज से अलग भारत ने वनडे में जीत के साथ शुरुआत की। पहला मैच 66 रन से जीता लेकिन दूसरे मुकाबले में उसे 6 विकेट से हार मिली। तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत ने आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम की। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ गौस, अगर हम देखें इस पूरे दौरे पर, जैसा कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र बता रहे थे, पूरी इस पे नजर डालें तो जिस तरह से टीम इंडिया ने कभी कमबैक किया, कभी आक्रमण किया, कभी मतलब जिस तरह से एक शानदार क्रिकेट जिसे देखने को मिला इस पूरी सीरीज में, चाहे वो हम T20 फॉर्मेट की बात करें, हम ODI की बात करें या फिर हम टेस्ट की बात करें। देखिए इंग्लैंड और भारत इन दिनों क्रिकेट में बहुत बड़ी शक्ति है और ये पहले से उम्मीद थी कि इंग्लैंड और भारत के बीच नेक टू नेक फाइट होगा। T20 फिर वनडे टेस्ट, इसमें भारत ने अगर हारे तो अच्छा कमबैक किया, शुरुआत अच्छी नहीं रही। तो कुल मिला के आप एक बात देखिए कि भारत के सिलेक्टर्स ने खिलाड़ियों में बदलाव भी किया और सभी खिलाड़ी आशा के अनुरूप जैसा सिलेक्टर्स ने चाहा था वैसा खेले। तो एक बात साफ है कि भारतीय टीम चाहे देश में हो विदेश में बेहतर है। बिल्कुल, तो टीम इंडिया ने इस तरह से क्लीन स्वीप कर लिया। क्रिकेट की बात करते हैं। 29 मार्च का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन 2004 में नजफगढ़ के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वो बने थे मुल्तान के सुल्तान। सहवाग ने आज के दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया था। इस मैच में सकलैन मुश्ताक ने 200 से ज्यादा रन दिए थे। सहवाग ने उस मैच में 309 रन बनाए थे। इसलिए ये 29 मार्च का ये दिन है, ये खास दिन भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद किया जाएगा। बेशक याद किया जाएगा। और वीरेंद्र सहवाग ने न सिर्फ वहां पे 309 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ 675/5, इसमें सचिन तेंदुलकर ने 194 रन बनाए थे और वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 254, 201, 173 और 309। जी, और श्रोताओं हम समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गौस, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। चलते चलते आपको एक बार फिर होली की ढेरों शुभकामनाएं। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।